ड्रामा, इमोशन, कॉमेडी एंड रोमांस, ये सब कुछ है हमारे इस शो में जिसका नाम है स्पाइसी स्पाइस 10। कभी आप लोगों ने सोचा है कि आपके फेवरेट बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और आपके फेवरेट वेबसाइट्स में क्या सिमिलैरिटीज हैं? सोचे नहीं पता। अच्छा चलिए हम ही बता देते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम स्पाइस 10 के इस गर्मा गर्म एपिसोड में बॉलीवुड के इन हसीन चेहरों को करेंगे बेनकाब और इनके साथ जोड़े बिठाएंगे साइबर वर्ल्ड के कुछ बेहद पॉपुलर एंड नॉट सो पॉपुलर वेबसाइट्स की। सो स्टे ट्यून्ड फॉर सम नॉटी नॉटी बातें। eBay यानी कि फॉरेन इंपोर्ट्स। जी हाँ, बॉलीवुड का लेटेस्ट हॉबी। बॉलीलैंड के फेवरेट प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स आजकल बन गए हैं व्यापारी। पैसा फेंको, गुड्स खरीदो, बिल्कुल हमारे फेवरेट ऑनलाइन शॉपिंग डेस्टिनेशन eBay में जैसा होता है। और eBay का नाम लिया तो कुछ हसीन चेहरे झट से आ गए दिमाग में, है ना? एमी जैक्सन। इन्हें डायरेक्टर गौतम मेनन ने खास ऑर्डर किया लंदन से अपनी फिल्म एक दीवाना था में थोड़ी जान फूंकने के लिए। और जब एमी नाम का पार्सल इंडिया पहुंचा तो उसे खोलते ही किसी और की नहीं तो फिल्म के हीरो प्रतीक बब्बर की तो चांदी हो गई, क्योंकि एमी में मिल गई उन्हें एक सुपर हॉट हीरोइन एंड रेडीमेड गर्लफ्रेंड। एक और वेरी फेमस ईबे प्रोडक्ट जो रिसेंटली डिलीवर हुई है बॉलीवुड में, वो है नरगिस फखरी एक्सोटिक शेयर्स, हाफ पाकिस्तानी हाफ चेक। अमेरिकन मॉडल टर्न्ड एक्ट्रेस नरगिस जब बॉलीवुड पहुंची तो ना उन्हें हिंदी आती थी ना ही एक्टिंग। अपनी पहली फिल्म रॉकस्टार की वो बनी द ब्यूटिफुल लेकिन द वीकेस्ट पैया। लेकिन जनाब उससे क्या फर्क पड़ता है, एक्टिंग आए चाहे ना आए, इन ईबे मैडम्स का चेहरा अच्छा होना चाहिए और इन्हें एक्सपोज करने से कोई परहेज ना होनी चाहिए, बस खिलाफ। जैसे अपनी कैंडिस बाउचर, सुपर हॉट साउथ अफ्रीकन इंपोर्ट है। इन्हें इंडिया मंगवाया गया ऑन द इंसिस्टेंस ऑफ अ गुटका बैरन, उनके लाडले बेटे के डेब्यू फिल्म में ग्लैमर ऐड करने के लिए। इन्होंने कांस के रेड कार्पेट पर वो जलवा दिखाया कि खुद इंडिया की जलवा क्वीन किसिंग नागिन मल्लिका शेरावत तक शर्म के मारे अपने बिल में चुप गई। राम गोपाल वर्मा ने रिसेंटली करी ईबे पर शॉपिंग और खरीदे अपने लिए एक नई म्यूज नटालिया कौर, और वो भी ब्राजील से। डिपार्टमेंट में एक आइटम नंबर करने के बाद अब वो नजर आएंगी अजराना डग्गुबत्तीज हीरोइन इन रामूज नेक्स्ट अंधम। इमेजिन, आइटम गर्ल से सीधे हीरोइन, लगता है रामू ने कुछ धांसुई ऑर्डर किया है ब्राजील से। देख रहे हैं आप लोग कि इस ईबे के चलते बॉलीवुड का कितना भला हो रहा है। इंस्टाग्राम, सोचिए अगर बॉलीवुड में फिर से ब्लैक एंड व्हाइट और टेक्निकलर का जमाना वापस आ जाए तो क्या होगा? होगा और क्या, लाइफ हो जाएगी डल, बोरिंग एंड ड्रैब, जस्ट लाइक आवर वेबसाइट नंबर 9 इंस्टाग्राम एंड द स्टार्स हु रिप्रेजेंट इट। और इस अनोखे कंप्यूटर एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करने वाले हमारे बॉलीवुड स्टार नंबर 1 है नन अदर देन अभय देओल, अदरवाइज कलरफुल देओल खानदान के ये चश्मो चिराग है बड़े ही बोरिंग टाइप के, एक ही तरह के आर्टी फार्टी फिल्म्स, सॉरी एक्सपेरिमेंटल फिल्म्स करते करते इन पर भी थोड़ा असर तो होगा ही ना। करियर की शुरुआत से ही ना कोई गॉसिप ना कोई लिंकअप्स, एक ही अलेजेड गर्लफ्रेंड प्रीति देसाई के बगल में चिपके हुए हैं ये जनाब। पर्सनल से प्रोफेशनल सारा ही है इनका कलरलेस और फीका। एक और फेमस इंस्टाग्राम स्टार है हमारे शाहिद कपूर, ये तो अपने उबर बोरिंग पर्सनालिटी के चलते अपने सबसे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप से भी हाथ धो बैठे। जी हाँ फ्रेंड्स, कहते हैं शाहिद के वेजिटेरियन थी छोड़ स्वभाव के कारण ही रोबस्ट पंजाबी कुड़ी करीना गॉट रिड ऑफ हिम एंड हुक्ड अप विद अ मच मोर एक्साइटिंग नवाबजादे सैफू मियां। और अपने ड्रेसिंग सेंस और हेयर स्टाइल की तरह ही शायद की बाकी लाइफ भी हो गई है काफी मोनोटोनस एंड बोरिंग, एंड दैट इज व्हाई मे बी द मीडिया हैज टेकन अ ब्रेक फ्रॉम हिम। पर एक स्टार ऐसे हैं जिनको बोरिंग होने के रेस में कोई नहीं हरा सकता है और वो है इमरान खान। ये जो साहब है इन्होंने अपनी पहली फिल्म के बाद ही शादी कर ली अपने लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड अवंतिका के साथ। पार्टीज में भी अगर ये जाते हैं तो अपनी बीवी का हाथ पकड़ के, अफेयर्स लिंकअप्स का तो कोई सीन ही नहीं है इनकी लाइफ में, क्योंकि अपनी बीवी के अलावा इन्हें और कोई नजर ही नहीं आती है। और सबसे मजे की बात तो यह है कि इनकी खुद की बीवी इन्हें बोरिंग मानती है।
बेचारे इमूट जालिंग। खैर, हमारे बॉलीवुड में हीरोइंस भी कुछ कम नहीं है। जैसे देख लीजिए इन दो देवियों को, आसिन और सोनाक्षी। मिस गुरी टू शूज बनने में क्या बहादुरी है, जरा कोई बता दे मुझे। अरे यार, एक जो आसिन मैडम है ये तो शरीफ और सुशील साउथ इंडियन लड़की का इमेज ऑफ स्क्रीन पोर्ट्रे करने में ही बिजी रहती है। अपने किसी भी लिंकअप को एक्सेप्ट करना तो दूर, एक्नॉलेज भी नहीं करते। ठीक उसी तरह मिस सिन्हा ने कसम खा ली है कि वो अपने पापा शात्र जे का माथा कभी शर्म से झुकने नहीं देंगे। अगर उसके लिए उन्हें एक के बाद एक फिल्म में सारी पहन के अपनी पहली फिल्म दबंग के रज्जो वाले करेक्टर का रिपीट टेलीकास्ट ही क्यों ना करना पड़े। सोनाक्षी तो इतनी ज्यादा स्टक अप है अपने सिन्हा खानदान के इमेज बिल्डअप एक्सरसाइज में कि उन्हें कोई और एक्सरसाइज करने का मौका ही नहीं मिलता है जी। और इसीलिए शायद उनका कमर धीरे धीरे कमरे का रूप ले रहा है। और कट। बॉलीवुड में ऐसे बहुत से स्टार्स हैं जो जब लॉन्च हुए थे तो उनका बहुत बोलबाला था। शुरुआत में काफी पॉपुलर भी हुए और बहुत हिट फिल्में भी दी, पर फिर जैसे जैसे उनसे नए यंग और बेटर एक्टर्स आते गए वैसे वैसे इनकी पॉपुलैरिटी घटती गई। जस्ट लाइक आवर वेबसाइट नंबर 8, द वंस वेरी पॉपुलर नाउ नियर डेड ऑर्कुट। जैसे कि जाहिद खान और दिया मिर्जा ने अपना प्रोडक्शन हाउस ही खोल लिया और खुद को लेकर ही एक फिल्म बना डाली। हाउ ब्रेव है ना। सोचिए, दूसरों के पैसों पर बुरी फिल्में करना एक बात है, पर अपने पैसों की आहुति चढ़ा के फ्लॉप फिल्म बनाना एक और बात। शोइंग सो मच हिम्मत। मुझे लगता है देखो, हम लोग असल में फिल्मी लोग हैं, हम हर कोई ताल्लुकात फिल्म से रखते हैं, चाहे वो एक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, चाहे अगर टिकट भी आके बेचना है। एक और साहब हैं बॉलीवुड में जो इन्हीं की तरह अपने बलबूते पर अपनी किस्मत आजमाने निकले थे, पर फिलहाल तो मुंह के बल गिर चुके हैं। पर हमें पूरा यकीन है कि ट्राई मारते रहेंगे। आफ्ताब शिवदसानी बहुत ही सक्सेसफुल चाइल्ड एक्टर रह चुके। आफ्ताब बॉलीवुड में स्टार्टिंग में काफी सक्सेसफुल रहे, पर जल्दी इनके करियर का ग्राफ नोज डाइव करने लगा। जस्ट लाइक ऑर्कुट। बॉलीवुड में फॉरगॉटन डीवर्स की तादाद तो काफी लंबी है, पर इनमें से कुछ हैं जिन्होंने अभी भी कोशिश जारी रखी है। एंड टू ऑफ देम आर सुष्मिता सेन एंड प्रीति जिंटा। सक्सेस वाज शॉर्ट लिव्ड फॉर सुष्मिता सेन, पर इन्होंने भी हार नहीं मानी, अपना प्रोडक्शन हाउस खोला एंड शी स्टार्टेड ट्राइंग टू मेक अ फिल्म झांसी की रानी। बस मामला वहीं पर अटका हुआ है। झांसी की रानी का जैसे घोड़ा ही बीमार पड़ गया। प्रीति का भी कुछ ऐसा ही हाल है। शी हैज आल्सो गॉन अहेड एंड ओपन्ड हर ओन प्रोडक्शन हाउस, और वो जी तोड़ मेहनत कर रही है फॉर दैट वन गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू मेक अ कमबैक विद हर फिल्म इश्क इन पेरिस, जिसका भी रानी झांसी जैसा ही हाल है। पेरिस जाने की विमान में तकनीकी खराबी के कारण ये फ्लाइट अभी तक टेक ऑफ ही नहीं कर पाई है। यात्रियों कृपया ध्यान दें। LinkedIn, आजकल हर एक यंग या नॉट सो यंग प्रोफेशनल अपना प्रोफाइल कहाँ बनाता है। हर सुबह जब आप अपनी मेल बॉक्स खोलते हैं तो यहाँ कौन से वेबसाइट से आपको प्रोफेशनल फ्रेंडशिप के रिक्वेस्ट आते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, दैट वन स्टॉप डेस्टिनेशन टू मेक स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स इज LinkedIn, हमारे सेलिब्रिटी वेबसाइट नंबर 7। मैडम सोफी चौधरी को ही ले लीजिए। द स्ट्रेंज थिंग इज दैट ना ये कामयाब सिंगर है, ना एक्टर और ना ही मॉडल, पर फिर भी शी मैनेजेस टू बी देयर इन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द पेज videos and big celeb parties. How? Yes, my friends, here comes the LinkedIn connections. Sophie Madam defines this coveted website very well. Ye baaki sab mein shayad nakamyab rahi ho, par links banane mein ekdam aagi. एक और जनाब जो आज लिंक्डइन के बिजनेस स्ट्रेटजी को फॉलो करके काफी कामयाब बन चुके हैं वो है अर्जुन रामपाल। फ्रॉम बीइंग एन अनसक्सेसफुल एक्टर हु इज फेमस फॉर हिज वुडन एक्सप्रेशंस टू बीइंग अ रिलेटिवली बिग नेम इन बॉलीवुड, अर्जुन्स जर्नी हैज बीन डॉटेड विद हिज बिग कनेक्शंस। उनका सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड और कोई नहीं, खुद SRK है। SRK से दोस्ती की वजह से ही इन्हें अपने करियर का पहला हिट मिला एंड ही गॉट नोटिस्ड एज द विलन इन ओम शांति ओम। और इसी SRK कनेक्शन की वजह से आज अर्जुन है फारा खान, करण जौहर और प्रकाश झा जैसे बड़े नामों के कॉन्टैक्ट लिस्ट में। जी हाँ, कनेक्शन हो तो ऐसा, वरना ना हो। मल्लिका शेरावत। जब मल्लिका ने ये रियलाइज किया कि बॉलीवुड में रहेंगी तो शी विल नेवर बी एबल टू बिकम अ टॉप नॉच हीरोइन, शी डिसाइडेड टू हेड वेस्ट। हॉलीवुड गई, वहां अपने लिंक्स बनाए और फिर उन्हें फ्लैश किया। इंस्टेंट सक्सेस, एटलीस्ट इन द गेटिंग नोटिस डिपार्टमेंट। बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस तरस जाती हैं जी टू बी ऑन द रेड कार्पेट ऑफ कान्स टू प्रमोट देयर फिल्म, और मल्लिका मेड अ हेडवे टू कान्स इन नन अदर देन जैकी चैन्स आर्म्स।
Pinterest. Bollywood is flashy by nature. यहाँ लोग अपने कनेक्शन से लेकर वार्डरोब तक सब कुछ फ्लैश करते हैं। और आज हमारे काउंटडाउन का सेलिब्रिटी वेबसाइट नंबर 6 बॉलीवुड के इसी फ्लैशी नेचर को रिजेंबल करता है। There is nothing modest about this website, just like our stars who represent this website. रणवीर सिंह अपने पहले फिल्म के बाद ही कुछ ज्यादा ही करेक्टर में आ गए। मच लाइक हिज ऑन स्क्रीन अवतार, रणवीर प्रूव्ड टू बी अ लाउड माउथ, फ्लैशी एंड ऑब्नॉक्शियस गाय। अपने आप को बहुत ही बड़ा स्टार समझने लगे। पिंटरेस्ट में उन्होंने दो बोर्ड्स बनाए, आई एम टू गुड टू बी ट्रू और एक्टिंग ड्यूड। जहाँ इन्हें मौका मिलते ही ये अपने एक्टिंग प्रोवेस के गुण गाते नजर आए और अपने चोपड़ा कनेक्शन को फ्लैश करते। पर सैडली ऑल दिस कुड नॉट हेल्प रणवीर मच। आज रणवीर के करियर ग्राफ और आने वाली फिल्मों को देखकर यही लगता है कि शायद वो कुछ जल्दी ही बोल गए थे। प्रतीक बब्बर इज अनदर स्टार हु इज अ पार्ट ऑफ द पिंटरेस्ट ब्रिगेड। आंखों में काजल, पंक स्टाइल कपड़े और फिरंगी गर्लफ्रेंड, और क्या चाहिए एक स्ट्रगलिंग एक्टर को बॉलीवुड में नोटिस होने के लिए। और नोटिस प्रतीक हुए हैं। एक सोलो फिल्म के हीरो बनने के कोई भी क्वालिटीज नहीं है प्रतीक में। लुक्स, एक्टिंग, पर्सनैलिटी कुछ भी नहीं है, है तो सिर्फ उनकी लिव इन गर्लफ्रेंड एमी जैक्सन, जिन्हें फ्लॉन्ट करने का एक भी मौका प्रतीक नहीं गवाते। परिणीति चोपड़ा है हमारी थर्ड पिंटरेस्ट स्टार। परिणीति एंटर द इंडस्ट्री लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, पर आज दो फिल्मों के बाद शी इज बीन फ्लैशिंग हर क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द चोपड़ा खानदान। और अब हाल ही में यह भी सुनने में आया है कि द गर्ल इज सीइंग नन अदर देन द चोपड़ा सायन हु इज आल्सो अ फील्ड एक्टर, उदय चोपड़ा। पर परिणीति, आपको ये सब करने की क्या जरूरत है? बेब्स, यू डिजर्व बेटर देन टोड चोपड़ा, सॉरी उदय चोपड़ा। Book My Show। बॉलीवुड में अगर डेस्परेट हाउसवाइफ्स का वर्जन बनाया जाए तो उसका नाम क्या होगा? डेस्परेट एक्ट्रेसेस। जी हाँ, और इन्हीं डेस्परेट एक्ट्रेसेस से जुड़ा हुआ है आज के हमारे काउंटडाउन का सेलिब्रिटी वेबसाइट नंबर 5 Book My Show। जी हाँ, इस वेबसाइट से इंस्पायर होकर ही लगता है बॉलीवुड का ये डेस्परेट एक्ट्रेसेस ब्रिगेड हमेशा ही ऑडियंसेस से बोलती रहती है Book My Show। और इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है अमीषा पटेल का। टुडे शी हैज बिकम सो डेस्परेट टू मेक अ कमबैक इन बॉलीवुड कि उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती हैं। फ्रॉम वेयरिंग साड़ीज जिनका पल्ला कभी भी अपने राइट जगह पर नहीं होता है, टू अक्यूजिंग नन अदर देन संजू बाबा कि वो एक पार्टी में अमीषा को तंग कर रहे थे। सोचिए, ये वही संजू है जिन्होंने इन्हें अपना बहन माना है। एक और देवी है इस लिस्ट में, शी हैज कम टू बॉलीवुड टू गेट नोटिस फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, वीना मलिक। पहले इन्होंने एंट्री मारी बिग बॉस के बिग हाउस में और वहां इन्होंने खेली रासलीला विद अनदर डेस्परेट टू गेट नोटिस्ड केस के साथ अश्मित पटेल। और फिर मदाम की न्यूड तस्वीर छप गई एक लीडिंग इंटरनेशनल मैगजीन के कवर पर, और वो भी विद ISI रिटन ऑन हर आर्म्स। और यही नहीं, थमी है मोहतरमा, बुक माई शो चिल्लाते इन्होंने अनाउंसमेंट कर डाली ऑफ हर मैरिज ऑन नेशनल टेलीविजन कॉल्ड वीना का विवाह। पर सोचिए, वीना का क्या असर कि ये शो अनाउंस होते ही बेचारे चैनल का ही बैकअप हो गया। Our next madam in this league has recently made her way to the cover of Playboy magazine, Sherlyn Chopra. Although Sherlyn is Book My Show league में काफी सालों से है, पहले सी ग्रेड फिल्मों में काम किया, फिर बिग बॉस में पहुंच गई, and then on her birthday she posted her naked pics on Twitter. Imagine. और अब जब शर्लिन इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं on the covers of the erotic mag Playboy, तो recently उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा that she deserves nothing less than the Bharat Ratna for this outstanding achievement of hers. Really, शर्लिन? फिर तो उन करोड़ों रीडर्स को परमवीर चक्र मिलना चाहिए जो आपकी खूबसूरती को झेलने की हिम्मत दिखाएंगे बाय बाइंग द मैग। हाई हील कॉन्फिडेंशियल। बॉलीवुड स्टार्स के हेयर स्टाइल, उनके कपड़े, उनके जूते, यहां तक कि उनकी अदाएं भी कॉपी करते हैं यंग एंड ओल्ड अलाइक। एंड द वेबसाइट दैट कैप्चर्स बॉलीवुड इन देयर वर्स्ट एंड बेस्ट ड्रेस्ड मोमेंट्स इज नन अदर देन द फैशनेबल हाई हील कॉन्फिडेंशियल, आवर सेलिब्रिटी वेबसाइट नंबर 4।
सोनम कपूर। ये मैडम खुद ही एक बड़े ब्रांड्स और लेबल्स की दुकान है। ऑलवेज इमैक्युलेटली ड्रेस्ड एंड मेड अप, सोनम शॉली मेक्स क्वाइट अ स्टेटमेंट इन ऑल हर अपीयरेंसेस। वैसे रिच फादर की लाडली बेटी होने के कुछ तो पर्क्स होने चाहिए ना, क्योंकि फिल्म में तो इनकी चलती नहीं है। तो इनका अपना बैंक बैलेंस तो डेफिनेटली कैन नॉट अफोर्ड ऑल दीज टॉप ब्रांड्स। तो शॉली डैडी डियर एस चिप्स इन टू फंड सोनम्स हाई हील लाइफस्टाइल। एक फॉर्मर रैंप मॉडल रह चुकी दीपिका, शॉली एज एन एज ओवर द अदर हीरोइंस इन बॉलीवुड। इनका हाइट और इनकी टांगों का लेंथ जो की है नेवर एंडिंग। और इन सब के साथ हर आवर ग्लास फिगर मेक्स हर द ड्रीम कैनवास फॉर एनी डिजाइनर। कैजुअल्स हो या शिक गाउन्स या फिर साड़ीज, दीपिका नेवर डिसअपॉइंट्स अस। Over the years, Kareena Kapoor has surely emerged as a Bollywood diva in terms of her style and fashion sense. Aaj unka har ek appearance is befitting to her tag of the only 100 crore heroine in Bollywood. Stylish and chic. पर इन दोनों एडजेक्टिव्स में से कोई भी हमारे अगले हाई हील कॉन्फिडेंशियल स्टार पर नहीं लागू होता था कुछ साल पहले तक। विद्या बालन। टिल सम इयर्स बैक विद्या यूज्ड टू मेक वन फैशन ब्लंडर बिगर देन द प्रीवियस वन। और फिर विद्या के जीवन में प्रकट हुए सब्यसाची बाबा एंड ही ट्रांसफॉर्म्ड विद्या फ्रॉम एन अग्ली डकलिंग टू अ स्टनिंग डीवा इन हर क्रिस्प सिल्क साड़ीज, यूनिक ब्लाउजेस व्हिच टुडे हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज विद्या ब्लाउजेस इन फैशन सर्कल्स, बिग बिंदीज एंड अनारकली झुमकास। Vidya looks like she has walked out of the fantasies of an Indian man. But then, ek advice hai Vidya ke liye. Too much of something is not good for health, baby. Sari se aage bhi badho. YouTube. बॉलीवुड के स्टार्स हैं बहुत टैलेंटेड, ये तो हम सब जानते हैं। पर इनमें से कुछ हैं जिन्हें एक्टिंग के अलावा भी कई चीजें आती हैं, जैसे कि सिंगिंग, डांसिंग, गिटार बजाना वगैरह वगैरह। और ये सब अपने इस अल्टरनेटिव टैलेंट को शोकेस करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं, ठीक उसी तरह जैसे कि यूट्यूब हमें दूसरों के टैलेंट्स दिखाने के लिए हमेशा रेडी रहता है। Recently, Piggy Chops, जो कि एक trained Western classical singer है, decided to record and release her first music album, and that too with Universal Music. और खुद Lady Gaga के manager उनके music career को manage करेंगे. Move over, Sunidhi and Shreya. We have a new rock star in Bollywood. सैफ अली खान इज अनदर एक्टर हु इज अ सुपर्ब गिटारिस्ट इन रियल लाइफ। सैफ ने अपने गिटार बजाने के टैलेंट को कई अवार्ड फंक्शंस और रॉक कॉन्सर्ट्स में शोकेस भी किया है। वाओ सैफ, इसका मतलब बॉलीवुड से जब आपका पत्ता कट जाएगा तो आप इटली के किसी बिस्तरों में बैठकर गिटार भी बजा सकते हैं एज एन अल्टरनेटिव करियर। डांस तो बॉलीवुड में सभी कर लेते हैं थोड़ा बहुत, पर इन दोनों की तरह आज तक कोई अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाया है। माधुरी दीक्षित एंड ऋतिक रोशन, बोथ ऑफ देम कैन बी इजीली कॉल्ड द गॉड एंड गॉडेस ऑफ डांस इन बी टाउन। और अपने इस डांसिंग टैलेंट को लोगों के सामने पेश करने के लिए दोनों ही रहते हैं हमेशा तैयार। ऋतिक और माधुरी दोनों ने किया जज डांस रियलिटी शोज, वेयर देयर डांसिंग वाज यूज्ड एज अ ड्राइविंग फोर्स फॉर द शोज। तो इतने टैलेंटेड हमारे ये यूट्यूब स्टार्स, और उनका वेबसाइट यूट्यूब ही है आज हमारा सेलेब्रिटी वेबसाइट नंबर 3। फेसबुक और ट्विटर, ये दोनों वेबसाइट से आज जॉइंटली हमारे काउंटडाउन के सेलिब्रिटी वेबसाइट नंबर 2 घोषित किए गए हैं। और वो इसलिए क्योंकि दे आर बोथ सोशल नेटवर्किंग साइट्स, एंड नेटवर्किंग एंड बॉलीवुड आर लाइक साइमीज ट्विन्स जॉइंड द हिप्स। स्टार्स सोशलाइज नहीं करेंगे तो गॉसिप कहां से जनरेट होंगी। देयर आर सम जिनकी फ्रेंड लिस्ट है ओवरफ्लोइंग, जो हर एक कैंप का हिस्सा है, और कुछ हैं जिनके लिए ये नेटवर्किंग ही है सबसे इम्पोर्टेंट जरिया टू गेट नोटिस्ड एंड बी इन द लाइमलाइट, जो बिन बुलाए मेहमान की तरह हर एक पार्टी में पहुंचकर हर कोई के साथ चेप होने की कोशिश करते हैं, और कुछ हैं जो हर एक के साथ अच्छा बनती हैं एंड ट्राई एंड बी इन द गुड बुक्स ऑफ एवरीवन। करण जौहर को ही ले लीजिए, वैसे तो ये SRK कैंप का हिस्सा है, पर इनका अपना भी एक सॉलिड कैंप है बॉलीवुड में। और कहते हैं रिसेंटली जब केजो ने आमिर और SRK की गैंग वॉर में ओम शांति ओम करवा दी, तो आमिर के दिल में केजो के लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई। यहाँ तक आमिर के कहने पर केजो ने इमरान की शादी के लिए कई लोगों की ड्रेस भी डिजाइन की। करीना और सैफ भी हैं सोशलाइजिंग में कहीं आगे, ये दोनों ही SRK और सलमान दोनों के फ्रेंड लिस्ट का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। और इस मामले में तो कटरीना का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। द लेडी बिहाइंड द बिगेस्ट गैंग वॉर इन बॉलीवुड है आज बोथ सलमान और SRK की फेवरेट, और दोनों के साथ फिल्में भी कर रही हैं।
फारा खान भी है सोशल नेटवर्किंग में काफी माहिर। दोस्त और दुश्मन बना तो इनके बायात का खेल है। पहले SRK इनकी फ्रेंड लिस्ट में सबसे ऊपर फीचर करते थे, फिर उनकी जगह ले ली अक्की बाजी ने, और फिर इन्होंने SRK के सबसे बड़े दुश्मन सलमान से भी हाथ मिला ली, और अब वो फिर से क्लेम कर रही हैं दैट SRK और वो दोस्त बन गए। अब टाइम है क्विक रिकैप का फ्रॉम नंबर 10 टू नंबर 2। नंबर 10 पर है ईबे की फॉरेन कन्याएं। नंबर 9 पर है इंस्टाग्राम के सेविया एक्टर्स। नंबर 8 पर है ऑर्कुड के हैज बीन्स। नंबर 7 का स्पॉट जाता है लिंक्डइन के लिंक मास्टर्स को। नंबर 6 पर है पिंटरेस्ट के फ्लैशी न्यूबीज। नंबर 5 पर है बुक माई शोज डेस्परेट वॉनबीज। नंबर 4 पर है हाई हील कॉन्फिडेंशियल डीवर्स। नंबर 3 पर है यूट्यूब सुपर स्टार्स। नंबर 2 पर है फेसबुक और ट्विटर स्टार्स। आमिर खान वुड बी विकिपीडिया बिकॉज ही प्रोवाइड्स अस विद द इंफॉर्मेशन दैट वी ऑल नीड टू नो थ्रू हिज प्रोग्राम्स एज वेल एज थ्रू हिज मूवीज। टेंड्स टू डू मोर सोशली रेलेवेंट फिल्म्स एंड विकिपीडिया ऑल्सो प्रोवाइड्स अस विद सो मच इंफॉर्मेशन एंड ऑफ ऑल सॉर्ट्स एंड ऑल कॉजेस एंड ऑल डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स। आई थिंक यूट्यूब मस्ट बी फॉर पीपल लाइक माधुरी दीक्षित, सैफ अली खान, because they are more talented and they know much about everything. Sonam Kapoor should be the brand ambassador of High Heel Confidential. I would name Shah Rukh Khan as Wikipedia. Sophie Chaudhary LinkedIn है, हर पेज थ्री पार्टी में पहुंच जाती है। फिल्मों में तो नजर नहीं आती पर हर पेज थ्री पार्टी में वो नजर आती है। बुक माई शो एज वीना मलिक एंड राखी सावंत। कैटरीना कैफ तो ईबे है, उसे तो फॉरेन लैंड से इम्पोर्ट करा है। If I would have compared a celebrity to website, I will compare Amisha Patel to Book My Show because she is very desperate. Wikipedia, and that brings us to the topmost, the number one celebrity website of Bollywood. Aaj cyberspace mein wo kaun sa website hai, which provides us with answers to all our problems. Jiske bina hamara ek bhi din nahi chal sakta hai. Yeah, friends, the know-it-all website is none other than Wikipedia. Aur Bollywood ke sabse bada Wikipedia star hai Aamir Khan. We are sure aap sab agree karenge hamare saath. Aisa lagta hai Aamir ne bachpan mein GK ke books kuch zyada hi man laga ke padhe the. Acting ke saath साथ सोशल वर्क, एंकरिंग, डायरेक्शन, प्रोड्यूसर गिरी सब कुछ आता है हमारे इस ओवर नॉलेजेबल स्टार को। ही कैन टॉक नॉन स्टॉप। बाप रे आमिर, आप एक्टिंग छोड़ के पॉलिटिक्स क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते, देश का कुछ भला हो जाएगा। एक और विकी स्टार है खुद हमारे SRK। मानते हैं कि स्मार्ट और विची हैं ये। मानते हैं कि आप फिल्म स्कूल के आधे साल तक पढ़े हुए हैं और आपने बहुत थिएटर भी करी है, फिर आपकी बातें सुनकर ऐसा क्यों लगता है कि आप बाकी के बॉलीवुड को इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड मानते हैं। खैर ये दोनों तो हैं टू ऑफ अ काइंड, पर देयर इज वन मोर यंगस्टर हु रिप्रेजेंट्स आवर टॉप मोस्ट वेबसाइट टू द हिल्ट, और वो हैं रणबीर कपूर। और वो इसीलिए क्योंकि अगर आपको बॉलीवुड के अंदर और बाहर कहीं की भी किसी लड़की का नंबर या घर का एड्रेस चाहिए होगा तो आप रणबीर नाम के विकी डायरेक्टरी की मदद ले सकते हैं। जी हाँ, बॉलीवुड्स लेटेस्ट कैसिनोवा हैज अ वास्ट नॉलेज ऑफ गर्ल्स एंड देयर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। व्हाट्स इट डूड। तो इस धुआंधार एपिसोड के साथ हमें दीजिए इजाजत। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू ज़िंग बॉलीवुड धमाल।